हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी अयान की गुड मॉर्निंग हुई है, मतलब सुबह तो बहुत देर की हो चुकी, लेकिन अयान की मॉर्निंग लेट होती है क्योंकि एक बार तो इसकी सुबह 5 बजे हो जाती है, उसके बाद इसकी सुबह 8 या 9 बजे होती है। तो अभी ये उठी है। स्वागत रहो। आशीर्वाद भी अपने फायदे का ही देता है आदमी। बाय कर यार, पापा को बाय कर दो। बाय। रोते रोते अब जाके शांत हुआ है। इसको बहुत दुख होता है जब कोई लेके नहीं जाता है इसे। और अब मैं जाके नहलाऊंगी। यहाँ पर इनका बन गया है पार्किंग स्टैंड, सारी गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई हैं। तो इसका नहा, जैसे ही सो के उठता है थोड़ी देर खेलता वेलता है, उसके बाद मैं इसको नहला देती हूँ। तो ये नहा धो के तैयार हो चुके हैं और नहा धो के अब गए हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। तो कुछ पानी वानी फैला के आ जाएंगे, पूजा हो जाएगी इनकी। और ये कमरा रह गया था, बेडरूम मैंने साफ़ नहीं किया था, अयान सो रहा था, तो इसको मैं साफ़ कर देती हूँ। और साथ ही साथ मैंने ये टेबल भी साफ़ कर दी है, ऑफिस की टेबल, अयान की टेबल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब भले चंगे होंगे, लेकिन आज मैं भली चंगी नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे तो आज फ्राइडे है, लेकिन मैंने व्रत नहीं रखा है, बस नहा धो के चली आई हूँ क्योंकि रात भर मैं सोई नहीं हूँ, जमीन पे पड़ी रही हूँ सारे रात दर्द से, बीपी लो भी हो रहा है। तो फिर मैं क्या है कि ऐसे मैं फास्ट नहीं रखती हूँ क्योंकि ऐसे वीकनेस होती है और बढ़ती जाती है वीकनेस है कि अगर ऐसे फास्ट रखो तो कुछ ना कुछ खाते रहो तो थोड़ा शरीर में एनर्जी रहती है। तो नंदिनी जा रही है नहा धो के पूजा करने। तो नंदिनी यहाँ पर डाल रही है गमलों में पानी, और इन गमलों के नीचे मैंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है, पूरे में पट्टियाँ लगा दी है, तो अब काफ़ी ठीक लग रहा है। वहाँ पर बालकनी में पूरी बालकनी कवर कर दी है उससे। देखो ये बेला का पहला फूल खिला है, ऐसे तोड़ के मैं जा रही हूँ सरस्वती माता में चढ़ाने। सुबह नाश्ते में बन गया था पोहा, तो सबने पोहा खा लिया था, लेकिन मैंने नहीं खाया था क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। और ये है ट्रोपोलाइट की व्हिपिंग क्रीम। आप लोग पूछ रहे थे कि दी आइसक्रीम में कौन सी क्रीम यूज़ की थी, यही लेके आई थी मैं मार्केट से। और सब्जी के लिए मैंने निकाली है तोरई, क्योंकि यहाँ पर जो ये तोरई मिलती है ना, इतनी बड़ी रहती है कि एक तोरई में ही काम हो जाता है, मतलब सबको सब्जी हो जाएगी, एक तोरई हो जाएगी। इसमें मिला दूँगी मैं एक आलू, तो सिंपल आलू और तोरई की सब्जी बनाऊँगी। मैंने कुछ भी नहीं डाला है सब्जी में, लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं पड़ा है, सिर्फ हरी मिर्च से छौंक दी है सब्जी। एक तो ये तोरई है, तोरई वैसे भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती अगर ज़्यादा सिंपल बनाओ, सादा सिंपल, लेकिन मैंने ऐसे ही बना दी। तोरई भरमा ही अच्छी लगती है, या फिर एकदम सूखी चटपटी सब्जी हो तो अच्छी लगती है। और यहाँ पर साथ ही साथ डाल दिए मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े, और अभी मुझे अपने माइक्रोवेव में कवर और स्टैंड लगाना है, मतलब जो मैंने उस दिन मंगाया था, क्योंकि कवर को मैंने धुला था तो जब वो धुलने के बाद सूख गया है तभी मैं उसे लगाने जा रही हूँ। और स्टैंड एकदम साइज का है जो मैंने मंगाया है, एकदम इसी के साइज का आया है और बिल्कुल भी छोटा और बड़ा नहीं है। लेकिन इसका कवर मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, हो सकता बड़ा होता ही हो हल्का सा, ताकि निकालने में आसानी रहे। और आप में से किसी ने मुझे बताया था कमेंट करके कि जब भी इसको यूज़ करें माइक्रोवेव को तो कवर ज़रूर हटा दें, क्योंकि माइक्रोवेव जब हीट करता है बहुत ज़्यादा तो ये जलने का डर रहता है। तो सच में जब भी यूज़ करें तो इसको अलग कर देंगे ताकि माइक्रोवेव भी सेफ़ रहे और कवर भी सेफ़ रहे।
और यहाँ पर खाने पीने से फ्री होके थोड़ी देर मैं रेस्ट कर रही थी, तो वहीं पे इनको कुछ पोयम वोयम सिखाने में लगे थे। और जब सब दोपहर में रेस्ट वेस्ट करने चले जाते हैं तब इसका सारा दिन अकेले अपने आप में ही लगा रहता है, कोई हो या ना हो कुछ ना कुछ करता रहता है ये अपने खिलौनों के साथ, सामानों के साथ में। और ये हैं सारे किचन के कपड़े सूख गए हैं तो इनको मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। और अभी बच गए हैं शाम के 6, तो बस ये ऑफिस से भी आने वाले हैं, तो इन्होंने पहले ही फ़ोन कर दिया था कि फ्री मिलना मुझे, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू वाड़ू लगाई है क्योंकि मुझे अभी जाना है बाहर, मतलब कुछ काम है इस वजह से हम बाहर जा रहे हैं। हम आए हैं अभी थोड़ा सा बाहर, क्या किस लिए आए थे वो आप लोगों को जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन अंदर मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हमें ना वीडियो बनाने दी है ना फोटो खींचने दी। मैडम फोटो नहीं, गजब बेइज्जती है। आदमी सब स्कूटी में लगता है, सब आदमी जा रहा है ना बाइक, पहले जो बाइक में बैठ जाते हैं ना ढलान वाली बाइक ऐसे चले जाते हैं वो नहीं लगते है सब। स्कूटी पे जो आदमी बैठा होता है ना, हाँ, वो बेचारा पति होता है और वो सब नहीं होता, इसको सब बनाया जाता है, टेम करा जाता है उसको। हेलो दोस्तों, तो हम लोग मार्केट से आ चुके हैं और यहाँ पर बैठी हुई है रमा, आपको दिखाई दे रही होगी नंदिनी जो कि कुछ कर रही है, और यहाँ पे रखी हुई है कॉफी जो कि ऑब्वियसली मैंने ही बनाई है। पता जी झूठ क्यों बोल रहे हो, मैंने बनाई है। ठीक है, नंदिनी ने बनाई है, ये लो नंदिनी, क्योंकि तुमने बनाई है तो पहले तुम्हें मिलेगी। लो मैडम, अयान हट जाओ बेटा। क्या बात है, कॉफी बनाने वाले को मेरी भी उम्र लग जाए। दोस्तों खाना पीना हमारा हो चुका है और अब कर लेते हैं थोड़ी सी बातें। तो बात कुछ ऐसी है कि जब हम लोग वीडियो बनाते हैं और आप लोग देखते हैं तो आप लोग जो कमेंट्स करते हैं उन्हें पढ़कर ये पता चलता है कि आप लोगों को हंसी भी आती है। वो अलग बात है कि कभी कभी जो हमारे जोक्स होते हैं काफी ज्यादा लेम हो जाते हैं, घटिया हो जाते हैं, बट ठीक है, कोई भी परफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन हम लोग ऐसे ही रहते हैं, हंसी मस्ती मजाक करते रहते हैं। लेकिन आप लोग भी कम नहीं है, आप लोग भी कभी कभी ऐसे कमेंट्स कर देते हैं मतलब कि हंस के पेट में दर्द हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस की चेयर की पॉलिथिन तो निकाल दो, गैस स्टोव का स्टिकर भी 1000 बार बोला तब निकालना था, ये तो निकाल देना एक बार कहने से। तुम यूट्यूबर्स ऐसे ही होती हैं, बट ये अच्छा किया क्लेरिफाई कर दिया कि ऐसी ही होती है, मतलब रमा को बोला जा रहा, मुझे नहीं बोला जा रहा, ऐसी ही होती है, बात एक बार में मानती नहीं है। हमारी लैंग्वेज में ऐसे लोगों को धीट बोलते हैं। भाई मुझे धीट नहीं बनना है, भाई मैं एक काम करूंगा, रमा कैंची लेके आ गया, पॉलीथिन आदि निकालनी है मुझे इसमें से। खड़े जब हो जाओगी चलोगी तो उतर जाएगी, जल्दी अब उठो, जल्दी उठो, जल्दी चलो, दो कदम बस खत्म, अरे दो कदम और चलो, इधर घूमो बस, उतर गई, क्या है इसमें, उतर गया बेटा, मुझे मालूम है तुम रात पर चली जाएगी। तो ये हो चुकी है हमारी ब्रांड न्यू कुर्सी एक बार फिर से तैयार, और इसका श्रेय जाता है उनको जिन्होंने ये कमेंट किया। एक कमेंट और आया था इनके लिए क्या, कि ये वीडियो को देख के ऐसा लगता है जैसे कि आपके पति मतलब आपको भाव नहीं देते हैं बिल्कुल भी, आप इतना अच्छा अच्छा खाने के लिए बनाती है लेकिन फिर भी ये बिल्कुल भी अप्रिसिएट नहीं करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये खूब खाते हैं, और पहले खाते ही थे जब मैं ये एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते थे, मैं जो बनाती थी बड़े चाव से खाते थे और मांग मांग के खाते थे। लेकिन बाकी बात रही भाव की, तो बात ये ना कि भाव बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, क्योंकि ये भी कुछ भी बोलते रहते हैं मुझे, मैं भी कुछ भी बोलती रहती हूँ और माइंड नहीं करते हैं, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। एक चीज बताता हूँ, जो लोग ये कहते हैं ना कि आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छे से रहते हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग सिर्फ ऐसे नहीं बनते कि आप सिर्फ प्यार से रह रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग बन रही है। ये अंडरस्टैंडिंग कब बनती है मालूम है, जब आप झगड़ा करते हैं और जब आप बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं, राइट, जब हम ज्यादा झगड़ा करते हैं ना, सारी लिमिट क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, तो हमको एक दूसरे के ट्रिगर पॉइंट जो होते हैं वो पता चल जाते हैं। मुझे पता है कि इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है, इसको पता है कि मेरा ट्रिगर पॉइंट क्या है, ठीक है, तो जब एक बार वो चीज पता चल गई है तो हम वो ट्रिगर पॉइंट एक दूसरे का क्रॉस नहीं करते हैं, या फिर इसको दूसरे शब्दों में अगर मैं ऐसा बोलूं कि लड़ झगड़ के इतने आदी हो चुके हैं हम उन चीजों के कि अब फर्क नहीं पड़ता,
सुबह लड़ते हैं दोपहर में एक हो जाते हैं, शाम को लड़ते हैं रात में एक हो जाते हैं। तो इस तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तब बनती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसी नहीं बनती है कि हमेशा बेबी 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 करके बात करते रहे, ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है। ये बात बिल्कुल सच है कि ये मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बिना सपोर्ट के कोई पत्नी कुछ भी नहीं कर सकती जब तक उसका पति उसको पूरी तरीके से सपोर्ट ना करता हो। क्योंकि क्या हो गया, चश्मा वगैरह ले, अरे बैठो यार तुम तो, मुझे कोई काला चश्मा दे दो भाई, मुझे छुपा लो अपना, मेरे आंसू आंसू झलक जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें हो रही है, मुझे छुपा लो, क्योंकि आपको, क्योंकि मैं सामने दिखती हूँ तो आप लोगों को मेरी मेहनत दिखाई देती है, लेकिन इनकी मेहनत भी बहुत रहती है, क्योंकि पूरे दिन ऑफिस जाते हैं, उसके बाद अगर मेरी कभी तबीयत खराब है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो ये मेरी एडिटिंग भी करवा देते हैं, और मुझे कुछ रेसिपी बनानी है, कुछ काम है वीडियो में, तो कोई भी चीज कहीं भी मिले तो पूरे शहर से ढूंढ के ले आते हैं ताकि मेरा काम ना रुके। इस चीज में तो है, एक जगह नहीं मिलेगी, पूरा शहर खोज के लाएंगे वो सामान मेरे लिए। इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, और इस बार मैं बोलूंगा अगर वीडियो पसंद नहीं आया हो तो लाइक मत करिए, पसंद आया है तो लाइक करिए, नहीं वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, ऐसा मत बोलो, लाइक करवाऊंगी यार, मेरे को बड़ा एम्बरेसिंग फील होता है कि इस तरह से तुमको आके क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही है। लेकिन आप लोग जो कमेंट्स करते हो बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि आपको जैसा दिखाई देता है शायद आप वैसे कमेंट्स करते हो। एंड आखिरी में एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ कि आपके जब 100 कमेंट्स अच्छे आते हैं तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, लेकिन अगर एक कमेंट नेगेटिव भी आता है ना तो वो भी गलत बात नहीं है, इनफैक्ट वो भी अच्छी बात है। एटलीस्ट वो नेगेटिव कमेंट पढ़ के हम ग्राउंडेड रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, एंड ऐसे कमेंट्स हमको उड़ने से रोकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक आप बहुत बड़ा मोटिवेशन देते हैं मुझे, तभी मैं ये सब कर पाती हूँ। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस न्यू ब्लॉग्स आपको डेली डेली ऐसे मिलते रहे। तब तक लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट।